असलम आई होप कि आप सब ठीक होंगे अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो ये जी सैरी का टाइम है और जैसे कि आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा कि कल इफ्तार दावत थी तो जो भी चीज़ें थी बस मैंने वही गर्म कर ली और बस पराठे बना लिए थे और साथ में चाय और व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन आकर प्रेस कर दें इससे मेरी बिरयानी वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचेगी और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अच्छे बिल्कुल लोकेशन चेंज आज भी इतनी हिम्मत नहीं है अब वो कैसे नींद आ रही है आज और नींद क्यों, क्यों आ रही है मौसम ठंडा है शायद आज क्यों आ रहे है बोला मैंने तो कल तारी की वजह से काम बहुत किया है आपने आपने चीज़ें ना ला के दिया ना आप भी तब थक गए ना सुबह तो खाना देने खाना चलो चलो तारीख के बाद मिलते हैं से से आप सबको भी मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो तो जुम्मे के बाद यहाँ पे शान रमज़ान स्टार्ट हो गया था और इन लोगों ने इतना अच्छा सलाम पेश किया ना कि मैं कहती हूँ कि जिसे कहते हैं ना दिल को सुकून मिलता है वो वाला काम था तो बस वो मैंने लगाया हुआ था और इसलिए मैं फ्री थी सारे कामों से होके मैं सब कुछ करके आके और यहाँ पर बस मैं ये ना के साथ खेल के साथ में जो थी वो नाते वगैरह सुन रही थी नया नहीं कर वे नया <laughs> कितने ऐसे गोरो फिकर कर रही है जैसे पता नहीं क्या जरूरी काम कर रही है देखो ये आया हाथ बाई निकलो <laughs> चले इनका तो लगा रहेगा अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने जी तो बस यहाँ पे बैक टू रूटीन और दोबारा से अपने कामों पे मैं स्टार्ट हो गई हूँ और ये जो कल सारे बर्तन जो थे दावत के वो उन सबको अब अपने अपने ठिकाने पे लगाना है और उस टाइम जो बस इंसान जल्दी में ये भी निकाल वो भी निकाल बाद में फेटना बहुत मुश्किल होता है लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता है और मैं यहाँ पर आपको अपने शोक के हालात चेक करा रही हूँ कि ऐसे मैंने सब कुछ खलबली में चाई हुई है लेकिन अब यह कि इनको सब कुछ मैं मैनेज भी करके रख दूँगी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है ये देखिए छोटे छोटे बर्ड्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इतने प्यारे इनकी वॉइस होती है ना सुबह के टाइम इतना प्यारा बोलती हैं और बस बाहर बहुत ज़्यादा ना सर्दी हो रही थी मैं आपको ना आगे उसका क्लिप भी दिखाऊंगी जो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ था आंधी आ रही थी दोबारा से सर्दियाँ आ गई हैं तो ये हस्बैंड ने अंदर ले आए कि कुछ टाइम के लिए ना इसको अंदर ही रखो मैंने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि छोटी छोटी है ना एकदम मौसम चेंज हो रहा है और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी कल का जो सारा था वो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया तो लेकिन यह कि मैंने सारा समेट के बर्तन शर्तन धो के okay, सब कुछ कर दिया था और घर भी सारा साफ़ हो गया था बस अब दूध बॉयल करना रह गया था तो वो मैंने कहा मैं ऐसा सब फिर अब बस अफ्तारी के जब टाइम स्टार्ट होगा तो साथ में कटिंग कर लूँगी और ना साथ, साथ दूध भी बॉयल हो जाएगा और, और ये ड्राइंग रूम को भी मैंने अच्छे से नीट कर दिया था और बस डन सब कुछ बाहर मौसम बहुत अच्छा था तो मैं बस छत पे आ गई थी क्योंकि अफ्तारी में मैंने आज कुछ बनाया था क्योंकि कल के सालन भी पड़ा हुआ था चाट भी पड़ी हुई थी तो बस पकड़े और रोटियां बनाई थी तो मैंने कहा वो नीचे चके मैं आराम से बना लूँगी अभी आपने वॉइस सुनी होगी इतनी तेज़ आंधी आ रही थी ना और मौसम इतना अच्छा और सही ठंड के मैं भी खड़ी हुई हुई थी ना तो मुझे इतनी सर्दी लग रही थी यहाँ पे आप निहाल के बाल भी चक्कर ना कैसे ही देखें इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि मेरा वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था फिर मैं नीचे आ गई थी भाग के सर्दी से जी तो ये मेरी छोटी सी वैनिटी है और जो ड्रेसिंग के ऊपर है ना वो मैं आपके साथ आराम से बाद में शेयर करूँगी अभी ये जो आप देख रहे हैं ये सब मैंने इसमें सेट की हुई है इसमें मेरा फेशियल परफ्यूम्स और मेरी ज्वेलरी बैग्स मेकअप हर चीज़ मैंने ना इसके अंदर सेट किया वही है कि कहीं पर भी जाना होता है ना मुझे बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि जो ड्रेसिंग होता है ना उसके ड्रा से निकालो ये वो तो यह कि डिस्प्ले हुआ होता है ना तो आप ईजी से इजिली आप बाहर निकालते हो और मज़े से कर लेते हो मतलब तो मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ और आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो यकीन माने आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अच्छा तो मैं यहाँ पे आपके साथ आगे शेयर करती हूँ बैग्स वगैरह अपने आपको मैं डिटेल से दिखाती हूँ सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे बैग्स दिखे में, तो हम बैग से ही स्टार्ट करते हैं तो ये जो बैग है ना ये कह ले कि शोल्डर बैग है जो होता है ना लॉन्ग वो वाला तो इसकी ना पतली सी चेन है और वो ना लॉन्ग सा थोड़ा और ये मेरा बहुत पुराना है ये मेरा था शादी से भी पहले का तो नेक्स्ट ये है मेरे पास एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बैग पैक और ये है मिनाहिल का और ये मैंने लिया था वन डॉलर शॉप से तो मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने ले लिया उसके बाद नेक्स्ट ये है मेरे पास एक और हैंड बैग ठीक है और ये शोल्डर बैग भी है हैंड बैग भी है अच्छा तो ये बहुत पुराना बैग है ये मुझे मेरी आप ही ने गिफ्ट किया था शायद मैं नाइनथ में पास हुई थी कि मैट्रिक में के एट में मुझे भी इतना क्लियरली याद बट ये मेरी आप ही ने उस टाइम लिया था और इस मेरे साथ ना एक उसने अपनी नंद के लिए भी लिया था और मेरा इस तरह की शेप में था उसका जो था ना वो बिल्कुल ना बॉक्स की शेप में था वो भी बहुत अच्छा था पर मुझे ये अच्छा लगा था तो यहाँ पर नेक्स्ट है जो मेरे पास वो है ये बैक पैक ये जो बैक पैक था ना ये मैंने बहुत शौक से लिया था अपनी शादी पर और ये मैंने सोचा था कि मैं मरी जाऊँगी तब पहन के जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी बैक पैक होगा पीछे उस टाइम इतना ट्रेंड था ना बहुत ज़्यादा और ही इसके देखें अंदर मुझे पता भी नहीं है मुझे याद भी नहीं है कि इसको मैंने के अंदर रखा हुआ है और ये जो मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में और ये बैग पर था और इसको मैंने अभी तक यकीन मानी यूज़ नहीं किया एक दफ़ा शायद किया था बस मैं नानों के घर गई थी लेकिन जो मेरा ड्रीम था ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी मरी तो वो वाला मरी मैं गई हूँ बहुत दफ़ा गई हूँ बट मैंने ना इतना शोल्डर में लेके नहीं गई क्योंकि सामान ज्यादा होता था तो इसमें मुझे ना इतना ज्यादा याद ही नहीं रहता था या कभी गई हूँ तो ना सर्दियों में गई हूँ तो आपको पता है सर्दियों में जो कोट होता है इतना कुछ होता है तो उसके अंदर सूट नहीं करता तो अब इनशाला मेरा प्लान है गर्मी में जाना है इनशाला तब यूज़ करूँगी अच्छा ये जो मेरा बैग है ना ये मेरा निका का है और ये मेरा जो था मेरे हस्बैंड की तरफ से आया था निकाह के कपड़ों के साथ, तो साथ, ये साथ मेरी जो बहुत है ये बहुत इसको मैंने मैंने निकाह के बाद बाद तक दोबारा यूज नहीं किया मुझे भी में हुआ कि कहा एक जैसे हो गए हैं तो ये मैं इसको ना कभी कभी कहीं जाना हो ना तो इसके अंदर मैं पैसे रख के और थोड़ी बहुत चीजें रखें ना तो मैं इसको इस बैग के अंदर ही रख लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सेम लगता है ऐसा लगता है जैसे ना इसी का एक बैग है जो है जैसे आजकल चल रहे ना कि दो से तीन बैग होते हैं इसमें ये स्ट्रिप भी है और ये काफी अंदर से स्पेशियस है और ये मैं ना कभी जैसे कहीं जाना होता ना तो मैं यूज करती हूँ घर के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको नहीं दिखाया वो मुझे याद भी न रहा दिखाना वो ना अलग से मेरे गबट में पड़ा हुआ है वो सिंपल सा एक ब्लैक लेदर का बैग है जो मैं आने जाने के लिए मतलब इधर ही कहीं जाना हो तो यूज़ करती हूँ और कहीं अच्छी जगह जाना तो मैं ये यूज़ करती हूँ और अगर मैंने बहुत ही अच्छी जगह जाना हो तो वो वाला यूज़ करती हूँ खैर उसको मैंने अभी तक सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है ये बिल्कुल नया था बिल्कुल नया इसका टैग भी जो है ना वो इसके अंदर अब तक पड़ा हुआ है और ये मैंने जो शादी आई थी ना मेरे इन लॉज में तो मैंने वहाँ पर यूज़ किया ये मुझे अच्छा भी बहुत लगता है इसकी आप अगर जो इसकी ग्रेस है ना वो चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगता है सा गोल्डन सा कलर का ये है कुछ और ना बहुत इसकी अच्छी ना शाइन आती है जो कि कैमरे में अत अच्छी नहीं आ जाती है रियल में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला बैग और वो जो पीछे पिंक पड़ा है ये मैंने एक साथ बाय किए थे और ये देखें टैग मैंने कहा है ना इसके बीच में अभी तक पड़ा हुआ है और मैंने घर आके ना इसको एज इज इसी तरह इसमें ना चीज़ें वापस डाल के रख दी क्योंकि फिर वो आप ऐसे ही इसको रख दो ना तो प्रेस होकर ना बहुत अजीब सा हो जाता है इस तरह ना थोड़ा फ्लफी सा लगता है तो मैंने अभी इसको इसी तरह एज इस रख दिया है संभाल के जी तो ये थे मेरे सारे बैग्स जो मैंने आपको दिखा दिए अब चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ मैं फिर वो दिखाती हूँ आपको कि उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है जी तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सबसे पहले ये है बॉडी स्प्रे और ये मेरे हस्बैंड का ये जो मैंने अब इनकी जो बर्थडे आई थी ना मैंने तब गिफ्ट किए थे ये मैंने डील मंगवाई थी इंस्टाग्राम से ये है ऊद है ये योडले का और साथ में पीछे ना वो भी पड़ा हुआ पाउडर भी है सिग्नेचर का एक्स ठीक है नहीं सॉरी एक्स का सिग्नेचर तो ये तीन चीज़ें जो थी मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पर मंगवाई थी ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ईशा ऑर्गेनिक का मेरे क्ले मास्क भ परा हुआ है बहुत अच्छा है और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो शाइन का ये क्या है मुझे खुद नहीं नज़र आ रहा सॉरी ये है ब्लीच ठीक है आ, मैं आपको इसके बारे में बताऊँ इतना ख़ास नहीं मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसके रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे नहीं हैं तो मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास डर्मा शाइन का क्लिनजर है और यहाँ पे मेरे पास है ब्लेसो का पील ऑफ मास्क इसके बाद आ गया डर्मा शाइन स्क्रब है मेरे पास बहुत अच्छा स्क्रब और जो उस क्लिनजर है ना शाइन का बहुत बेस्ट क्वालिटी का है उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ईशा और की वाइटनिंग क्रीम है इसे मैं ना गर्मी में यूज़ करती हूँ तो आजकल मैं इसे यूज़ नहीं करी नेक्स्ट मेरे पास है ईशा ऑर्गेनिक का ही उपटन उपटन भी बहुत अच्छा इसके रिजल्ट बहुत अच्छा मेकअप अच्छा से मेक अच्छा पहले अगर आप थोड़ी देर अपने फेस पर अप्लाई करके वॉश करते तो बहुत अच्छी स्किन पर ग्लो आती है उसके बाद मेरे पास डियाना का सन ब्लॉक था और यहाँ पे है मेरे पास सॉफ्ट टच का शाइनर सूथिंग लोशन और ये स्किन का स्किन नर्म्स की ये प्रोडक्ट है मैंने द्राज से मंगवाई थी तो इसका जो है ये ब्लीच है अच्छा इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और आजकल ना ये बहुत हाई पे बिजा जब मैंने इसे दरा से ऑर्डर किया था तब मैं इतना मुझे पता नहीं था लेकिन अब मैं इनका इंस्टाग्राम का पेज जब देखती हूँ ना तो इनकी बहुत हाइप है इनके बहुत फॉलोवर्स हैं और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं इनकी ब्लीच के तो यहाँ पे मैं ये आपको दिखा रही हूँ मसाजर अच्छा ये मिसाजर, मिसाजर बहुत अच्छा है इसे मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ आजकल ये ना बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के पेजेस पर पे भी अवेलेबल है और ना आपको मैं अगर बताऊँ मैंने दराज से बाई किया है आप भी दराज से ले लें आपको टू फिफ्टी में ईज़िली मिल जाएगा लेकिन इंस्टाग्राम के जो पेजेज़ हैं वहाँ पे कहीं फ़ोर हंड्रेड रुपीज़ के फिर डी के साथ वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है बहुत बहुत सॉफ्ट है इसके आप चेक कर सकते हैं कितने सॉफ्ट है इसके और ना पीछे से जो है ना वो आपको स्क्रबिंग के लिए यूज़ होता है और आगे से क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है ये ना मतलब वर्क करता है मैं इसे यूज़ करती हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है पीच क्रीम्स हैं ये मेरे पास ब्लीच की ठीक है वो ब्लीच जो है मैं स्किन पर यूज़ कर लेती हूँ और ये वाली जो ब्लीच है ये मैं हाथों पाँव के लिए ठीक है यहाँ पर मेरे पास ब्लैक हेड रिमूवर है और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ये हैंड एंड फुट ना स्क्रब है ये भी बहुत अच्छा है इसके बाद है मुल्तानी मिट्टी और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये ये पास जोलिन की ना वो है फेस ट्रिप्स है वैक्स की बहुत कम मैं यूज़ किए मैंने क्योंकि उस टाइम ना ये ट्विंकल रेजर नहीं थी जब मैंने ये ली थी और उसके बाद जब ट्विंकल रेजर आ गए तो यकीन मानने जिंदगी इतनी ईजी हो गया तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह के स्ट्रिप्स हैं और इनके हर स्ट्रिप के अंदर ना दो दो होती हैं तो ठीक मतलब तो है तो आप दोनों साइड से मतलब कि इसे ओपन करके ना दोनों दोनों साइड पर ना वैक्स लगी हुई है तो आप अपर लिप्स या कि अपर लिप्स वगैरह के लिए अच्छी है लेकिन अगर आपके फेस पर ज़्यादा ग्रोथ है ना हेयर्स की तो आप फिर ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना इतने अच्छे से वर्क करेगी ये जिनकी हल्की हल्की ग्रोथ होती है ना जैसे अपर लिप्स वगैरह हो गए तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कहीं जाना फटाफट लेकिन जब से ट्विंकल रेजर आई है ना यकीन माने मेरी तो जिंदगी आसान होगी एलोवेरा फेस पे अप्लाई करती हूँ देन मैं ट्विंकल रेजर से मैं सारा अच्छे से मैं शेयर कर लेती हूँ तो वो बहुत ईजी रहता है और यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ एक फेस मास्क उससे मैंने अभी तक यूज नहीं किया जो एक और था वो मैंने यूज़ कर दिया था और ये है ट्विंकल रेजर ठीक है जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देखने वैसे तो आजकल हर किसी को पता है जी तो यहाँ पर मेरे पास कुछ है लेंसेज अच्छा ये मैं आपके साथ था बाद में शेयर करूंगी ये मैंने रील्स वगैरह बनाती हूँ इंस्टाग्राम पर वहाँ पर यूज़ करती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगी आप चेक कर लेना और ये जो मैं आपको ड्रॉप सिखा रही हूँ बहुत अच्छा अगर के भी से भी आपके ना लेंस इिटेट करें ना आपकी आईज में तो आप ये अपनी आईस में वन से टू ड्रॉप्स आप ऐड कर लेंगे ना तो यकीन माने इतनी जल्दी आपकी आईस को रिलीफ मिलता है और बहुत अच्छे हैं मेरे पास यहाँ पे म्यूसन की लिपस्टिक्स थी और बाकी वो आई शेडो और यहाँ पे कुछ लैशे थे मेरे पास ये नील पॉलिश है मेरे पास दो और इसके अलावा मुझे पसंद बहुत ज्यादा लेकिन ना मुझे ना परमानेंट वाली अच्छी लगती है मतलब जैसे ये स्टिक हो जाती है फिर वो थिनर के साथ रिमूव होती है मुझे पील ऑफ अच्छी लगती है वो मैंने सेट भी मंगवाना है जो कि मैंने अपनी भाभी को वैसे कहा है कि मुझे आपने बर्थडे पे गिफ्ट देना और यहाँ ये आई लैश ग्रूथ थी कुछ मेरे पास लिपस्टिक्स पड़ी हुई है ये जो है ना कप इसके अंदर सारा मेरे बेसिक नीड का जो सामान है वो जैसे कि टेप वगैरह पड़ी हुई है आई लैशेस कलर पड़ा हुआ है जो कि यूज़ होती रहती हैं वो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना ये गुम हो जाती है अच्छा ये यहाँ पर लिपस्टिक नहीं लिप ग्लॉस हैं ठीक है उनका सेट है ये पूरा ये मेरी आप ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास सारी आई शेडर्स पड़ी हुई हैं और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ जी तो ये वाली जो पैलेट है ना ये बहुत पुरानी है और ये ना मेरी भाभी की ना शादी की थी तो उनका मेकअप जो था ज़्यादा मैंने ख़राब किया था और ये भी मेरे साथ ले आई थी अच्छा ये जो पैलेट है जो मैं कलरफुल दिखा रही हूँ ना ये मेरी भाभी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी ये मैंने खुद ली थी सॉफ्ट से कलर है ये बहुत अच्छी है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली इसका मैंने भी इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई थी ये ए, ए, पूरा ना कलर बोर्ड है बहुत अच्छा है इसके बाद वो जो बीच वाली है ना वो वाली मेरी शादी की है हुदा ब्यूटी की इसके साथ ही मैंने क्या हाल किया आप देख सकते हैं वो जो कलर बोर्ड है ना वो ब्यूटी ग्लेस का है ठीक है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा तो ये सारी वैनिटी मैं आपके साथ शेयर कर दी अब चलते हैं किचन में बैक टू ड्यूटी बाय बाय मैंने आटा गून लिया था और बीच के जो टिप्स है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि वही रूटीन थी जो कि मेरी हमेशा होती है जो कि आप रोज देखते हैं पकौड़े वगैरह सब चीज़ें तो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने पहले से बना के मतलब कल की जो बनी हुई थी वही सब चीजें थी बस ये पकड़े मैंने बनाए थे रोटियाँ बनाई थी और ये इमली की चटनी मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी आप जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी अच्छा तो मेरा ब्लॉग यहीं तक था उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मुझे अपनी दौ में याद रखेगा मैं मिलूंगी आपसे कल नए ब्लॉग के साथ अब तक के लिए मुझे दे जाता है